राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने वार्ड क्रमांक 27 का जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके क्षेत्र के पार्षद मोनू सक्सेना समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पीसी शर्मा ने कहा कि मोनू सक्सेना ने अपने वार्ड में विकास का काम किया है। वहीं अपने खिलाफ खड़े भाजपा के प्रत्याशी उमाशंकर गुप्ता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहां की जनता का मानना है कि ऐसा एक भी काम नहीं है जो उन्होंने कराया हो। किस तरीके की चुनौती भाई वार्ड है? वार्ड 27 मोनू सक्सेना जी ने अपने पूरे वार्ड में बहुत काम कराए। ये यहाँ पे भी बिजली पानी इसकी सब व्यवस्था कराई है, सब चल रही है। इनको आगे चल के पक्के मकान जयनारियों योजना के अंदर मिलेंगे जो कांग्रेस की योजना है, और इसके अलावा भी मैं समझता हूँ ऐतिहासिक पार्क अपने वार्ड में मोनू भाई ने बनाया है, जहाँ कल भी छठ पूजा का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जहाँ बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग जो है वो आके बैठते हैं, और सीवेज का पानी का रोड के ऐसे फैक्ट्री काम मैंने अपने इस कार्यकाल में कर लिया, इसलिए यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ बहुत रिस्पांस मिल रहा है। उमाशंकर गुप्ता आपके अपोजिट में खड़े हैं, भाजपा से प्रत्याशी हैं, 15 साल से विधायक मंत्री रहे हैं, उनका कैसा कार्यकाल है? उमाशंकर गुप्ता 15 साल से विधायक मंत्री नहीं, इसके पहले महापौर भी था 5 साल। ये 20 साल का लगातार एक आदमी इन पदों पर मंत्री और महापौर के पदों पर रहा है, और एक भी काम जनता का कहना है एक भी काम ऐसा नहीं जो इन्हें कराया हो। भाई आप विधायक मंत्री थे, ये लोग धड़ाधड़ मकान बनवा के दे देते। वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद मोनू सक्सेना का कहना है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को लगातार मिल रहा है। पीसी शर्मा जनता के सेवक हैं, वहीं इसके उलट यहां के क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश के मंत्री ने जनता को झूठा सपना दिखाया है। देखिए माताओं बहनों का आशीर्वाद निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को बराबर मिल रहा है, क्योंकि इसलिए मिल रहा है कि पूर्व मुझे पार्षद के नाते मुझे यहाँ की माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने बड़ा मजबूत आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के रूप में इस क्षेत्र को मैंने एक वो विश्वास और वो विकास जो दिया है उसी का आशीर्वाद निश्चित रूप से पीसी भाई को भी मिलने वाला है, क्योंकि पीसी भाई जनसेवक हैं, जनता के बीच में 15 सालों से जनप्रतिनिधि नहीं है लेकिन फिर भी जनता के बीच में पाए गए, और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने केवल इस क्षेत्र को केवल धोखा दिया है और यहाँ की जनता को केवल झूठा सपना दिखाने की कोशिश की है, खुली आंखों से सपना दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर विकास किया जाएगा। बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, महापौर रहे, 15 सालों से लगातार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं भी ऐसा कोई विकास कार्य और ऐसा एक मजबूत काम नहीं दिखा सकते जो कि वो ताकत से इस क्षेत्र को दिखा सके। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।